हेलो गाइस, थ्री ट्रस्ट चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में एक ऐसी अंडररेटेड स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जिससे गाइस आप यहां पे किसी भी टाउन 14 को थ्री स्टार कर पाओगे। तो देखो गाइस, अटैक स्ट्रेटजी यहां पे काफी सिंपल है। आपको यहां पे एक बारबेरियन, एक जायंट, थ्री सुपर वॉल ब्रेकर्स, आठ बलून्स, पांच हीलर्स और गाइस यहां पे चार बेबी ड्रैगन, चार ड्रैगन राइडर और गाइस 10 मिनियन। उसी के साथ गाइस आपको यहां पे फ्लेम फिंगर लेना है और गाइस आपको यहां पे मेनली यहां पे फ्लेम फिंगर और हीलर्स और क्वीन का काम है और गाइस बाकी सब ट्रूप्स यहां पे सपोर्ट देंगे आपको। एक राइट साइड से अगर यहां पे फ्लेम फिंगर छोड़ दो तो गाइस दूसरे कॉर्नर से आपको वहां पे क्वीन वॉक स्टार्ट कर देना है। देखो गाइस, देखने में ये बेस काफी ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन गाइस यहां पे क्वीन वॉक की मदद से इसने यहां पे इजीली 3 स्टार ले लिया। देखो गाइस, यहां पे चार बलून्स पीछे से डिफेंसेस को मारने के लिए और गाइस यहां पे दो बेबी ड्रैगन यहां पे पूरा क्लीन अप करने के लिए छोड़ दिया ताकि गाइस क्वीन जो एकदम यहां पे टाउन और सेंटर की तरफ आएगी। और देखो गाइस, यहां पे क्वीन एकदम सेंटर की तरफ आ गई। और देखो गाइस, अगर आप यहां पे हेल्थ डाउन हो जाए तो यहां पे तीनों के तीनों जो यहां पे रेंज पहले वो यहां पे क्वीन की तरफ जाएगी। जब भी गाइस यहां पे देखो हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई थी या फिर गाइस डिफेंसेस ने सारे क्वीन की तरफ माना शुरू कर दिया था, इसलिए गाइस यहां पे एक रेस स्पेल ड्रॉप कर दी और गाइस राइट साइड में फ्लेम फिंगर अपना काम कर रहा था। वो अपना आप यहां पे सारे डिफेंसेस को क्लियर कर देगा उस साइड वाले। तो गाइस यहां तक तो काफी इजी थी, लेकिन गाइस अब यहां पे आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा क्वीन की हेल्थ की तरफ। गाइस आप यहां पे क्वीन को एकदम बचाना, पीछे से गाइस देखो यहां पे वॉल ब्रेकर छोड़ दिया ताकि गाइस यहां पे वो वॉल फूट जाए। यहां पे सीसी निकलते ही आपको यहां पे पॉइजन स्पेल डिप्लॉय कर देनी है। तो गाइस यहां परफेक्ट टाइम पे पॉइजन स्पेल डिप्लॉय कर दी और यहां पे गाइस एक फ्री स्पेल भी आपको यहां पे उसी पॉइजन स्पेल के पास में छोड़ देना चाहिए। गाइस यहां पे सीसी को थोड़ा टाइम लग जाए, पीछे से आप अपने हीरोज भी छोड़ सकते हो। देखो गाइस यहां पे सुपर ड्रैगन ने भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया अपने क्वीन का। तो देखा गाइस यहां पे आपको क्वीन को प्रोटेक्ट करना है। गाइस आपको यहां पे सीसी में भी यहां पे बलून्स ले लेना और गाइस यहां पे एक ड्रैगन राइडर ले लेना। उसी के साथ गाइस अपने यहां पे चार ड्रैगन राइडर बचे हैं तो गाइस वो भी आपको यहां पे आरसी के साथ राइट साइड से छोड़ देना है। पीछे से गाइस आप यहां पे बुड्ढे को भी या फिर ग्रैंड वार्डन को भी छोड़ सकते हो। और गाइस ऐसे आपको यहां पे जब क्वीन की हेल्थ डिटोरिएट होने लग गई या फिर गाइस अब ये जब ये क्वीन टाउनर की तरफ अट्रैक होगी, टाउनर को यहां पे अटैक करना शुरू करेगी, तब गाइस आपको यहां पे एक और स्पेल छोड़ने की जरूरत पड़ेगी या फिर गाइस आपके पास यहां पे काफी ज्यादा फ्री स्पेल भी है तो गाइस यहां पे फ्री स्पेल भी आप यहां पे छोड़ सकते हो। लेकिन गाइस आपको यहां पे लास्ट तक अगर यहां पे क्वीन सरवाइव नहीं करेगी तो गाइस ये अटैक आपका बिल्कुल फेल जाने वाला है। आपको गाइस यहां पे क्वीन को सरवाइव करना, गाइस आरसी और ग्रैंड वार्डन को उनको भी लास्ट में छोड़ना, ड्रैगन राइडर को भी गाइस लास्ट में छोड़ना और गाइस तीन से चार आपको यहां पे बलून बचा के रखने लास्ट के डिफेंसेस के लिए। और गाइस इतना सब करने के बाद देखो यहां पे क्वीन आपका आधा से ज्यादा बेस खा लेगी और गाइस आरसी की एबिलिटी से भी यहां पे टाउन और यहां पे इजीली डिप्लॉय होगा। आरसी की एबिलिटी से भी आपके यहां पे डिफेंसेस डिप्लॉय हो जाएंगे। देखो गाइस यहां पे सारे किंग क्वींस बचे, सिर्फ गाइस यहां पे आरसी मर गई थी और देखो गाइस मैंने यहां पे चार बलून्स बचा के रखे थे इस टीममेट ने, तो गाइस इसने भी यहां पे परफेक्ट टाइम पे उन डिफेंसेस की तरफ टीममेट ने छोड़ दिया। और देखो गाइस ये एकदम 0 सेकंड में हुआ, लेकिन गाइस ये एकदम 30 सेकंड्स पहले ही हो गया था अटैक्स और ये देखो गाइस इसने इजीली थ्रीस्टार कर लिए। तो गाइस आप भी इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज करके टाउन और 14 को इजीली क्लैन वाले में थ्रीस्टार कर पाओगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, बताऊं गाइस आपको अगले ऐसे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में। गाइस टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।